हरि दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, तेरे मन में क्या देखे तुम बड़ा दर्पण में, क्या देखे बड़ा दर्पण में, एक केसुड़ी का फूल होता है, पलाश का पेड़ होता है, उसमें केसुड़ी लगे और वो दिखने में इतना सुंदर होता है, लेकिन उसके ऊपर भंवरा नहीं बैठता। सदगुरु कबीर ने कहा कि वो भंवरा इसलिए नहीं बैठता क्योंकि उसमें खार है। जैसे ही भंवरा उस फूल पे बैठता है, वो खार उसको काटता है, वो भंवरा उड़ जाता है। वैसा ही इंसान है, ऊपर से कितना ही सुंदर हो, कितने ही अच्छे कपड़े पहनता हो, लेकिन जिसके दिल में कपट भरा है, जिसके मन में द्वेषता है, उसके घर कभी भगवान आएंगे नहीं, उसके जीवन में कभी परमात्मा की या गुरु की कृपा होने वाली नहीं है। भले वो दुनिया में कोई सा भी गुरु कर ले, लेकिन गुरु का आशीर्वाद उसको कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो कपट को दिल से दूर नहीं करेगा, बेईमानी को, धोखेबाजी को जीवन से दूर नहीं करेगा, तब तक उसका भला होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, हो पत्थर की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, पत्थर की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, भारी डूबेगा जल में, क्या तुम उखड़ा दर्पण में, तेरे उखड़ा दर्पण में, जीवन में इस दुनिया में जिस इंसान की जैसी सोच होती है, ध्यान देना, जिस इंसान की जैसी सोच होती है उसके कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं। जिसके दिल में, जिसके दिमाग में जो भरा होता है, जिसके भीतर कचरा भरा है, उसके कर्म भी कचरे के जैसे ही होंगे। जिसकी नजरों में विकार भरा है, वो सारी दुनिया को विकार की दृष्टि से देखेगा। जो स्वयं पापी है, वो कभी उसकी नजरों में कोई धर्मात्मा नहीं आएगा, उसको सारे के सारे पापी लोग दिखेंगे। और जो ईश्वर का प्रेमी होगा, वो सारी दुनिया के विषय वासनाओं को छोड़ करके भी जहां ईश्वर का प्रेम बरसता होगा, जहां सत्संग होता होगा, जहां पूजा होती होगी, या परमात्मा का जहां गिरिजाघर मंदिर गुरुद्वारा होगा, वो वहां पर भागता दौड़ता चला है। इस दुनिया में चार तरह के लोग हैं। इस गांव में ऐसा नहीं है कि आप और हम ही लोग हैं केवल, और भी लोग होंगे, लेकिन यहां जाग वही लोग रहे हैं जिनको परमात्मा से प्रेम है। चार तरह के लोग जागते हैं इस दुनिया में। एक वो इंसान जागता है जिसके शरीर में कोई बीमारी हो, जिसको नींद नहीं आती। एक वो इंसान जागता है जिसको भोग विलास करना हो कि दुनिया के लोग सो जाए तो मैं भोग विलास कर लूं। एक वो जागता है कि सब सो जाए तो मैं चोरी कर लूं, और एक वो जागता है कि सब सो जाए तो मैं भगवान का भजन कर लूं। आप
जाग रहे हैं क्योंकि हमारे मन में पीड़ा है, हमारे दिल में घाव है, वो तकलीफ दे रहा है। उस घाव को मिटाने के लिए, उस आनंद रस को पीने के लिए हम यहाँ इस रात को 2 बजे 1:30 बजे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सतगुरु कबीर ने कहा है, जिसका जहां स्वभाव होता है वो वहीं बैठता है। और दुनिया के लोग, विकारी लोग विकार की तरफ भागते, इसलिए कहा हो राम की डारी कोयल राजी मोर राजी वन में, हे आम की डारी कोयल राजी मोर राजी वन में, अरे घर की तिरिया घर में राजी, घर की तिरिया घर में राजी, घर की तिरिया घर में राजी संत राजी भजन में, मुखड़ा दर्पण में सुल्फन में, पागड़ी बांधे तेज सवारे तेल लगावे सुल्फन में, ये नौजवान लड़कों के लिए बात है। सतगुरु कबीर साहब 700 साल पहले ये बात कह करके गए हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जब ये नौजवान लड़के अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, बुजुर्गों का कहना नहीं मानेंगे, संतों की शरण में जाएंगे नहीं, और सिर्फ अपने श्रृंगार को सजा करके और गलत मार्ग पकड़ के अपने जीवन को तबाह और खत्म कर देंगे। आजकल की औलाद ना के देखो, यहां सब माँ बाप मौजूद हैं, कभी अपना घर जैन जवान छोरा से पूछो, तारे कहां गयो तू? तो बोले कहीं नहीं। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो कहां गया था। जब भी पूछेंगे वो यही कहेगा कहां गयो तू? बोले कहीं नहीं, यही तो थू। तो यही कहा तो? बोले यही तो थू। तो यही कहा तो? यही तो थू। नाम नहीं बताएगा, क्योंकि बताएगा कैसे? क्यों? यो गली गली में फिरे भटकतो, गली गली में फिरे भटकतो, गली गली में फिरे भटकतो, दाग लगावे मन में जाते के तोड़ा, गली गली में जाते के तोड़ा करे पड़े में। अगर माँ बाप हो तो सावधान हो जाए, और अगर हम बेटे हैं और हमारी करनी गलत है, हमारे विचार गलत है, हमारा रहन सहन गलत है, तो सावधान हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं। इस दुनिया में केवल एक चीज रहने वाली है। कबीर ने कहा है कि राज करनता राजा जाएगा, रूप धरनता रानी, कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशान। इस दुनिया में सब कुछ मिटने वाला, केवल एक नाम रह जाए।
और नाम उसी का रहता है जिसके काम अच्छे होते हैं, हैं? इसलिए काम ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, और नाम भी फिर ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। अपनो नाम भी नहीं दुनिया में ऐसा होना चाहिए, अपना गांव में, अपने समाज में, अपना परिवार में, अपनी औलाद को, या अपनो नाम ऐसा होना चाहिए कि कोई खाली नाम सुन ले, फलाना जी को बेटो, अरे बोले आओ सर, क्या बात है उनका, नहीं तो पतो चले कि यार अरे ऊपर, अरे के भगा के कहां है यहां आइयो दादा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, इस शरीर को बाहर से सजाने के बजाय इस मन को सजा लो भीतर, बुराइयों को छोड़ दो और अच्छाइयों को दिल में रखो, नफरतों को मिटा दो, प्रेम का बाग खिलने दो अपने दिल में यार, अपनी आंखों में जब भी कभी आंसू आए तो प्रेम के आंसू आना चाहिए, कभी किसी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो प्रेम की मुस्कुराहट आना चाहिए, कोई देखे हमको या हम किसी की ओर देखें तो भावना से मन गदगद हो जाना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर अंत में कहते हैं, हो कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे भव के जल में, कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे भवि के जल में,